डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फंडामेंटल पार्टनरशिप अकाउंटिंग चल रहा है, जिसमें ये लेक्चर नंबर 8 है। हमने लेक्चर नंबर 1 में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और कैसे बनता है वो हमने सीखा था। उस टाइम पे मैंने एक बात कही थी कि इस चैप्टर में हम एक तो पार्टनर्स पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखेंगे जो बनाया था वहाँ, इसके अलावा पार्टनर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स भी बनते हैं जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो वो पार्टनर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स क्या होते हैं वो आज हम समझ रहे हैं। तो पार्टनर्स के इंडिविजुअल अकाउंट समझने के पहले एक छोटी सी बात, वो ये कि पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है ना, वो दो टाइप की होती है, एक फिक्स्ड और दूसरी फ्लक्चुएटिंग। अगर पार्टनर्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि बिजनेस में जो हम कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, यानी जो कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे वो फिक्स्ड रहेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते हैं, रेयरली तो की जा सकती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है फिक्स्ड तो दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग। क्या होता है इनका मतलब वो समझा रहा हूँ। अगर पार्टनर्स मिलके ये डिसाइड करते हैं कि जो उन्होंने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किए वो फिक्स्ड रहेगी, यानी उसको रेयरली चेंज कर सकते, फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे केस में पार्टनर्स के जो इंडिविजुअल अकाउंट्स बनते हैं वो दो रहते हैं, दो दो अकाउंट हर एक पार्टनर के बनेंगे। एक हर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा जिसमें सिर्फ कैपिटल की एंट्री रहेगी, और पार्टनर से कनेक्टेड जो अदर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, शेयर इन प्रॉफिट है, कमीशन टू पार्टनर से, सैलरी टू पार्टनर से, जो भी चीज़ें पार्टनर से कनेक्टेड रहेगी उन सब के लिए पार्टनर्स का एक अलग अकाउंट बनेगा। हर एक पार्टनर का इंडिविजुअली एक अलग अकाउंट बनेगा जिसको बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रखनी है तो उस केस में पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसमें सिर्फ कैपिटल की एंट्री होगी। सिर्फ कैपिटल की एंट्री होने से कैपिटल का बैलेंस नहीं चेंज होगा, वो कैपिटल हमेशा बिजनेस में बनी रहेगी। और जो पार्टनर्स की रूटीन के आइटम्स है, जो करंट आइटम्स है, उनके लिए पार्टनर्स का एक अलग अकाउंट बनेगा, यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा, वो सब चीज़ें उस अकाउंट में जाएगी। ये थी कैपिटल फिक्स के बारे में बात। दूसरा, अगर पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रखनी है, मतलब कैपिटल को फ्रिक्वेंटली चेंज किया जा सकता है, कम ज़्यादा कर सकते हैं पार्टनर्स, कभी पैसा इन्वेस्ट करके अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं, कभी कैपिटल विड्रॉ करके डिक्रीज कर सकते हैं। अगर कैपिटल फ्रिक्वेंटली बदली जा सकती है तो इसका मतलब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहेगी। ऐसे केस में हर एक पार्टनर के दो दो अकाउंट न बनाते हुए एक ही अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड में बनने वाली कैपिटल अकाउंट से अलग टाइप से बनता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट जो बनता है उसमें पार्टनर्स की सभी एंट्रियां आती हैं, और सभी का मतलब कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में आएगी ही, लेकिन अदर थिंग्स जो फिक्स मेथड में करंट अकाउंट में जाया करती थी वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, यानी पार्टनर्स को जो शेयर एंड प्रॉफिट देंगे, पार्टनर्स को जो शेयर कमीशन देंगे, सैलरी देंगे, पार्टनर्स की जो ड्राइंग होगी, पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, ये सब कैपिटल अकाउंट में ही आएगी, अलग से कोई करंट अकाउंट नहीं बनेगा। यानी अभी तक की बात का अगर इन ऑल बोलें तो पार्टनर्स की दो कैपिटल, दो टाइप की कैपिटल होती है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है तो उस पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों बनते हैं, जबकि पार्टनर्स की कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग हो तो उसमें सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। अगर किसी क्वेश्चन में न बताया हो कि कैपिटल फिक्स रहेगी कि फ्लक्चुएटिंग रहेगी, तो वहाँ पर हमको फ्लक्चुएटिंग मान के चलना है। बात रिपीट कर रहा हूँ, पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहेगी कि फ्लक्चुएटिंग रहेगी, अगर क्वेश्चन में न बताया हो तो वहाँ पे हमको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहेगी ये मानना है, या न सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है। अगर हाँ किसी क्वेश्चन में ऐसे तो नहीं बताया है कैपिटल फिक्स रहेगी कि फ्लक्चुएटिंग रहेगी, लेकिन बोला है कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाओ, तो इनडायरेक्टली उन्होंने बता दिया कि कैपिटल फिक्स रहेगी। या फिर किसी क्वेश्चन में अगर कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस और करंट अकाउंट के बैलेंसेस दोनों ही दिए हुए, तो भी मतलब ये निकला कि कैपिटल फिक्स्ड है, फिक्स मेथड से उसके अकाउंट्स बनेंगे। तो दो टाइप की कैपिटल हो गई। इस लेक्चर में हम
कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो उस केस में कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा वो हम समझेंगे। उसके लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ये एक क्वेश्चन है, इसके थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैसे बनता है वो हम समझेंगे। पहले ये बता दूं कि लेक्चर वन में हमने यही का यही क्वेश्चन लिया था, वहां पे हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट समझा था, आज इसी क्वेश्चन का कैपिटल अकाउंट समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, उसमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने पहले समझा था ये सामने ऑलरेडी देखे बोर्ड पे बना हुआ है, इसको देखते चलेंगे, क्वेश्चन देखते चलेंगे, जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना हुआ है वो देखते चलेंगे और साथ में हम कैपिटल अकाउंट बनाते हुए चलेंगे। ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, देखें इस क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें तीन पार्टनर से, तो डेबिट साइड में चार कॉलम बनेंगे, एक पर्टिकुलर और तीन पार्टनर्स के कॉलम, ऐसे ही क्रेडिट में भी तीन पार्टनर है तो पर्टिकुलर और तीन पार्टनर के कॉलम बनेंगे। इस ढंग से जितने पार्टनर होते हैं उतने कॉलम डेबिट में भी उतने ही कॉलम क्रेडिट में भी बनते हैं, ठीक। तो ये कैपिटल अकाउंट है जो हम यहाँ पे समझने वाले कैसे बनेगा, ये कर अप्रोप्रिएशन अकाउंट लेक्चर वन में हम सीख चुके थे, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन, अमर अकबर एंड एंथनी आर पार्टनर्स विथ प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2:1। ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर देयर कैपिटल वर 2 lakh and 1 lakh and 50 रिस्पेक्टिवली। पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, तो सबसे पहले कैपिटल और कैपिटल अकाउंट में लिख लेते हैं। कैपिटल यानी कि क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल यानी क्रेडिट बैलेंस, इसलिए क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय बैलेंस बी डी। पार्टनर्स की कैपिटल है 2 lakh, 1 lakh and 50,000, ये लिख दी। अब यहाँ पर ये जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ था, ध्यान से देखिए, ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर देयर कैपिटल वर दिस, देयर कैपिटल वर दिस यानी क्या, मतलब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इतना है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस इतना है, इसलिए हमने बैलेंस बी डी के नाम से लिखा है। अगर यहाँ पर इन्होंने ये दिया होता कि ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल दिस दिस दिस, अगर ऐसा लिखा होता, अगर यहाँ पर इस सेंटेंस की जगह मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अगर इस सेंटेंस में ये वाला सेंटेंस यहाँ पर अगर दिया होता कि ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर देयर पार्टनर्स पार्टनर्स कंट्रीब्यूट दिस अमाउंट, तो पार्टनर कंट्रीब्यूट दिस अमाउंट का मतलब क्या कि ये कैपिटल बैलेंस नहीं है, ये तो इस साल कंट्रीब्यूट की गई कैपिटल है, तो ये पुराना कोई बैलेंस कैरी होके नहीं आया, इस साल कैपिटल कंट्रीब्यूट करिए। तो ऐसे में हम यहाँ बैलेंस बी डी ना लिखते हुए बाय बैंक अकाउंट लिखते, या फिर कई बार ऐसा भी दिया होता है कि पार्टनर्स आर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल दिस एंड दिस एंड दिस, पार्टनर्स स्टार्टेड बिजनेस विथ दिस 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 कैपिटल, यानी उन्हें ये कैपिटल लास्ट ईयर से कोई कैरी होके आ रही है, ये कोई कैपिटल अकाउंट बैलेंस है ऐसा नहीं है, ये कैपिटल तो इस साल इन्वेस्ट की गई है, तो वहाँ पर भी बाय बैलेंस बी डी की जगह बाय बैंक अकाउंट आएगा। तो समझ लीजिएगा कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल होती है वो क्रेडिट साइड में आती है, ये पहली बात समझ लीजिए, ये पहली बात। दूसरी, कब बैलेंस लिखना है और कब बैंक लिखना है बैलेंस, यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, ये बात मैंने आपको अभी समझाई है, अगर कभी भूल जाओ तो हमेशा लेक्चर को थोड़ा सा पीछे लेकर रिवाइंड करके वापस से समझ लिया करो। सो आगे पढ़ते हैं, प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस क्वेश्चन में एक तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, सो वो तो हम लेक्चर वन में बना चुके हैं, अभी नहीं बना रहे हैं, अभी सिर्फ हम देखते हुए चलेंगे उस बने हुए अकाउंट को। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब इस क्वेश्चन में जो ऊपर कैपिटल दी हुई है उसमें ये नहीं बोला है कि कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मान के चलेंगे, यानी कि कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अलावा सब एंट्रियां करते चलेंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 द पार्टनर्स आर एंटाइटल एज अंडर, पार्टनर्स को क्या क्या चीज़ें देनी है वो दी हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट है पार्टनर्स को इंटरेस्ट और कैपिटल देना है, तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा वो सुनिएगा। जो जो चीज़ें पार्टनर्स को हमें देनी है, जो जो चीज़ें पार्टनर्स को देनी है वो हम क्रेडिट करते चलेंगे, जो जो चीज़ें पार्टनर को देनी है वो डेबिट क्रेडिट करते चलेंगे, जो पार्टनर ने दिया वो भी क्रेडिट कर देंगे, जो पार्टनर ने बिजनेस को दिया है वो क्रेडिट करेंगे उनके अकाउंट में क्योंकि गिवर है, जो जो चीज़ें और देनी, दे नहीं दी, देनी है वो भी चीज़ें क्रेडिट करेंगे। दूसरी तरफ जो जो चीज़ें पार्टनर्स ने बिजनेस से ली है, विड्रॉ करिए, उन केस में वो रिसीवर है, वो चीज़ें डेबिट करेंगे, जैसे ड्राइंग्स होती है वो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो चीज़ें पार्टनर्स ने बिजनेस से विड्रॉ करी उस केस में पार्टनर्स रिसीवर है, वो चीज़ें डेबिट में आएगी, जैसे ड्राइंग्स पार्टनर्स के डेबिट में आएगी। इसके अलावा जो चीज़ें पार्टनर से लेनी है
लेनी है वो उनके अकाउंट में से वो अमाउंट निकाला जाएगा, वो भी अमाउंट डेबिट हो जाएगा। जो चीज़ें पार्टनर से लेनी है वो क्रेडिट डेबिट, जो पार्टनर्स को चीज़ें देनी है वो क्रेडिट। पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है, पार्टनर को शेयर एंड प्रॉफिट दिया जाता है, ये सब उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाता है वो डेबिट करेंगे। ठीक, तो देखिए पहला पॉइंट था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पार्टनर्स एंटाइटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनर्स एंटाइटल है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना 12%, तो ये इनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो 2 लाख का 12% यानी 24,000, 1 लाख का 12% 12,000 और 50,000 का 12% 6,000। तो ये पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सो इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, जो जो चीज़ें देनी है वो क्रेडिट करते जाएंगे। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में से दिया गया है तो ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आता है। देखो ये हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा था जब अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था लेक्चर 1 में। ठीक, अब आगे क्या दिया है वो पढ़ते हैं। सैलरी टू अमर 10,000 पर मंथ, ये याद रखिएगा, एंड टू अकबर 80,000 पर एनम यानी एनुअली। अकबर को 10,000 हर महीने के देने हैं तो अमर को 10,000 हर महीने के देने हैं तो अकबर को 80,000 एनुअली देना है। तो ये सैलरी पार्टनर को देनी है और जो चीज़ें देनी है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट करते जाना है बाय सैलरीज अकाउंट। अमर के कॉलम में 10,000 × 12 120,000, उधर अकबर के कॉलम में 80,000 पूरा लिख देंगे, वो एनुअल है। तो ये पार्टनर्स को देनी है उनके अकाउंट में लिख दिया। ये जो पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है ये भी प्रॉफिट में से दी जाती है तो ये भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आएगी। ये देखें जो प्रॉफिट है वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया। ये देखो ये भी आगे आएगा, प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो प्रॉफिट है ये क्रेडिट में लिख दिया है 5,20,000, ये लिख दिया है हमने। अब इस प्रॉफिट में से 5,20,000 में से जो जो चीज़ें पार्टनर्स को देते जा रहे हैं वो प्रॉफिट में से कम करते जाएंगे यानी अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते जाएंगे। जो जो पार्टनर को देते जा रहे हैं वो अप्रोप्रिएशन में डेबिट करते जा रहे हैं, वो क्रेडिट के प्रॉफिट में से कम होता जा रहा है। ठीक, तो आगे देखते हैं और क्या देना है पार्टनर्स को। देखें कमीशन 5% ऑन सेल टू एंटनी, एंथोनी को 5% सेल का देना है। तो देखो क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वाज अमाउंटेड टू 10 लाख, साल की सेल से 10 लाख, और थर्ड पॉइंट में क्या है 5% कमीशन देना है एंथोनी को। तो 10 लाख का 5% एंथोनी को देना है, देना है मतलब कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बाय कमीशन। और एंथोनी के कॉलम में 10 लाख का 5% यानी 50,000 ये लिख दिया। अब ये भी पार्टनर्स को प्रॉफिट में से देंगे, पार्टनर को जो भी चीज़ें देते हैं हम प्रॉफिट में से देते हैं, इसलिए ये इतना पैसा प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन हो गया, इतना पैसा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसलिए सब चीज़ें अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती है। तो ये कमीशन हमने पार्टनर को प्रॉफिट में से दे दिया तो ये भी हमने कमीशन डेबिट में लिख दी, अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख दी। उधर पार्टनर्स को देनी है तो उनके अकाउंट में क्रेडिट भी हमने कर दी। ठीक, आगे चलते हैं तो थर्ड पॉइंट के बाद वाला पेरा, पार्टनर्स विड्रू फॉर द पर्सनल यूज एज अमर 50,000, अकबर 30,000 एंड एंथोनी 40,000। ये पार्टनर्स ने अमाउंट विड्रॉ किया है यानी ये ड्राइंग्स हुई, तो इस केस में पार्टनर्स रिसीवर हैं और रिसीवर है तो रिसीवर को डेबिट करते हैं, सो हम पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं मतलब ये ड्राइंग हुई तो ये उनके अकाउंट में रिसीवर है इसलिए डेबिट कर दी जाएगी। तो टू ड्राइंग्स, पार्टनर ए के अमर के कॉलम में 50,000, अकबर के कॉलम में 30,000 और एंथोनी के कॉलम में 20,000, यही था। ये देखे तो ये हमने 40,000 एंथोनी के कॉलम में, तो एक बार करेक्ट कर लेते हैं, थर्ड वाले कॉलम में 40,000 ड्राइंगे ये लिख दिया। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आए इसके लिए वीडियो सामने होना चाहिए, साथ में क्वेश्चन भी सामने होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं स्क्रीन से तो बार बार हटा देता हूं, पर आपको बार बार वो क्वेश्चन में दिखते रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो या तो उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर ले और वो क्वेश्चन सामने रखे और ये वीडियो चलने दे, या फिर वीडियो और डिस्क्रिप्शन दोनों ओपन करके रखें, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन देखते जाए, जो लाइन में पढ़ रहा हूँ आप भी पढ़ते जाए और साथ में वीडियो देखते जाए, जल्दी समझ में आएगा। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़े वहाँ पे वीडियो को पॉज करो, पहले मन में सोचो, खुद सोचो और आगे बढ़ते जाओ, और ऐसे करके देखोगे तो जल्दी समझ में आएगा।
सो ये ड्राइंग्स पार्टनर्स की है, इस केस में पार्टनर रिसीवर थे, डेबिट कर दिया। अब आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज टू देम 5000, 3000, 4000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को चार्ज करनी है यानी पार्टनर से लेनी है, और जो चीज़ें पार्टनर से लेनी होती है वो उनके अकाउंट में डेबिट कर दी जाएगी। ये उन्होंने पैसा लिया नहीं है, अगर लिया तो उस बेसिस में नहीं, ये उनसे लेना है तो उनके अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो पार्टनर्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमर के कॉलम में 5000, अकबर के कॉलम में 3000 और एंथनी के कॉलम में 4000। तो ये पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर लेंगे, अगर पार्टनर से अमाउंट लेंगे तो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट अगर बढ़ जाएगा तो ये पहले ही प्रॉफिट जो दिया होता है उसके साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में लिख कर और प्रॉफिट को बढ़ा दिया हमने, पहले ये प्रॉफिट दिया हुआ है जो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ली तो वो क्रेडिट कर देंगे अकाउंट में, इस वजह से हमारा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा क्योंकि पार्टनर से पैसा लिया तो बिजनेस का तो प्रॉफिट बढ़ गया। अब आगे लास्ट पेरा, पार्टनरशिप फॉर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वर 5,20,000। ये 5,20,000 जो हमने अप्रोप्रिएशन क्रेडिट में लिखा था ये वो प्रॉफिट है। तो ये नेट प्रॉफिट है, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा और वहां जाकर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन की नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट में क्यों आया? जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के में ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में आता है, वहां से पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट में जाता है, फिर पी एन एल अकाउंट में नेट प्रॉफिट डेबिट में आता है, वहां से वो पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट उसके बाद बनता है, उसके क्रेडिट में आता है। दूसरे ढंग से ये इनकम है, मतलब क्रेडिट बैलेंस हुआ तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आना है। तो इस ढंग से 5,20,000 प्रॉफिट हुआ है जिसको पार्टनर्स में अप्रोप्रिएट करना है यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना है यानी अलोकेट करना है, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर से ली गई थी उससे भी प्रॉफिट बढ़ गया। तो टोटल फॉर्म में जो प्रॉफिट हुआ है वो देखें, टोटल आ रहा है 5,32,000। अब 5,32,000 प्रॉफिट डिवाइड करना है तो इसमें से इंटरेस्ट कैपिटल के नाम पे पार्टनर्स को इतना 42,000 दे चुके हैं, सैलरी के नाम पे 2,00,000 दे चुके हैं, कमीशन के नाम पे 50,000 दे चुके हैं। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसको नाम क्या देंगे? जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का डिफरेंस आता है जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, जैसे पी एन एल अकाउंट का डिफरेंस आता है उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं, वैसे अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस जो आता है उसको नेट डिविजुअल प्रॉफिट बोलते हैं, वो पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं। वैसे ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने लेक्चर 1 में समझा था, इसे थोड़ा थोड़ा लाइटली मैं यहाँ पे समझाते हुए चल रहा हूँ। तो अब जो डिफरेंस आ रहा है ये 2,40,000 डिफरेंस आया, ये नेट डिविजुअल प्रॉफिट हुआ, ये भी पार्टनर्स में डिवाइड होगा। तो ये पार्टनर्स में प्रॉफिट डिवाइड कर दिया है, 2,40,000 डिफरेंस आ रहा था ये डिवाइड किया है, और डिवाइड कैसे किया है तो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिया हुआ था कि पार्टनर्स का शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, फर्स्ट लाइन में तो 3:2:1 पार्टनर्स का शेयरिंग रेशियो है। तो हमने ये जो प्रॉफिट आ रहा है इसको शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया है, 3:2:1 में ये 2,40,000 डिवाइड किया, तो ये पैसा भी पार्टनर्स को देना है, ये प्रॉफिट भी पार्टनर्स को देना है, तो ये भी पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट में लिखेंगे। और जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट में पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से आता है क्योंकि ये अमाउंट पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से आ रहा है। देखिए पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट दिया वो इंटरेस्ट अकाउंट में से यहाँ आता है, सैलरी जो पार्टनर को दी वो सैलरी अकाउंट में से यहाँ आती है, कमीशन जो पार्टनर को दी वो कमीशन अकाउंट में से यहाँ आती है, लेकिन पार्टनर्स को जो डिविजुअल प्रॉफिट देते हैं वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से कैपिटल अकाउंट में आता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा जाता है। तो कितना पैसा पार्टनर्स को मिला था प्रॉफिट के नाम पे ये देखें, 1,20,000, 80,000 एंड 40,000। तो 1,20,000, 80,000 एंड 40,000 ये लिख दिया। तो इस ढंग से ये अपना हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो पहले बन चुका था, अब हम इसको कैसे क्लोज करेंगे? तो देखें ये हमने डेबिट क्रेडिट में एंट्रियां कर लिए, अब अगर पहले हम अमर का अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, अमर का बैलेंस निकाल रहे हैं, तो देखिए क्रेडिट साइड में अमर के कॉलम का टोटल है 4,64,000, तो डेबिट साइड का अमर का कॉलम है 55,000 टोटल आ रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि अब कैपिटल अकाउंट कैसे क्लोज करेंगे यानी बैलेंस कैसे निकालेंगे, तो पहले अमर का अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। तो देखिए अमर के कॉलम में क्रेडिट में 4,64,000 टोटल है, डेबिट का टोटल 55,000 है, डिफरेंस निकाल लिया 4,09,000 बैलेंस में लिख दिया। ऐसे ही अकबर के कॉलम में 2,72,000 माइनस 33,000 ये बैलेंस आ गया। ऐसे ही एंथनी के कॉलम में क्रेडिट का टोटल 1,46,000 तो डेबिट का टोटल 44,000 डिफरेंस निकाला 1,02,000 ये बैलेंस कैरी डाउन लिखा, बैलेंस के बाद टोटल भी किया
बैलेंस कैरीड डाउन लिखा, बैलेंस के बाद टोटल भी किया, और टोटल के बाद अगली अपोजिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख दिया। ऐसे अकाउंटिंग क्लोज, अकाउंट क्लोज होगा, कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा। तो हमने अगर कैपिटल फिक्स फ्लक्चुएटिंग होती तो उस केस में पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है ये हमने सीखा है स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करिए करना है वो सुनिएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है। इसमें टीएस ग्रेवाल का 2018 एडिशन, उसका क्वेश्चन नंबर 20 एंड 42 से 57 तक के क्वेश्चंस, इन क्वेश्चन के थ्रू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की प्रैक्टिस की जा सकती है। और क्या अकाउंट सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें सिर्फ समझ में आना नहीं बल्कि और प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, तब बात बनती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।